हर धर्म के प्रति संभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला, अरे साहब जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है कि राजद का पक्ष स्पष्ट है, सर्वधर्म संभाव सबके बीच में समन्वय। आप लोगों के समक्ष ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाना पड़ा, और मैं कुछ बातें रखूंगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं होती है, जहां एक आलाप होता है, यहां अंतरालाप होगा। तो उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं, अभी बीते एक हफ्ते से आप सब ने देखा होगा साथियों, पूरे देश में और कोई मुद्दा नहीं था, एक मनगढ़ंत मुद्दे के आधार पर महागठबंधन की सरकार प्रतिदिन गिराई जा रही थी, लोगों के बीच में मतभेद मनभेद बताया कर जाया करता था, और एक पार्टी की अंदरूनी बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के यूं बताया गया कि छीका टूटेगा किसके भाग से पता नहीं। खैर उस पर सब पर विराम लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निवर्तमान अध्यक्ष जदयू ने और हमारे नेता तेजस्वी जी। अब देखिए, मैं आप मीडिया के साथियों से आज हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, आज सुबह से चलाई जा रही है एक बात हमारे एक विधायक के संदर्भ, उनके बयान को लेकर के मैं आपके समक्ष एक दो चीजें रख देना चाहता हूँ। हर धर्म के प्रति संभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में, हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में, लेकिन क्या हम सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले कौन थी शायद हमारे भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल बौद्धिक पूंजी शून्य है, लेकिन सावित्री बाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं, तो एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी जिसे आज भी जागने की जरूरत है, अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला, अरे साहब जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हम धर्म को आस्तीन पे बांध के नहीं चलते हैं, यहाँ रखते हैं, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम बापू के राम है, हमें हमारे रामा राम किसी से घृणा नहीं सिखाते हैं, हम हे राम वाले राम के लोग हैं। अब भाजपा तय करे वो क्या है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था, एक बयान जो एक वंचित शोषित समाज को अलग में अलग जगाने के लिए वो बयान दिया गया, और उस बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है, और मीडिया के हमारे साथियों आप लोग कम से कम कुछ अनुसंधान कर लिया कीजिए, बड़ी मुश्किल होगी कि कबीर अगर आ जा करके हमारे बीच में कहें वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये तो सीधे आक्रमण है ना मूर्ति पे, कबीर ने किया ना। अब कबीर अगर पटना के जेपी गोलंबर पे आके यही बात कह दे, आप उनका भी लिंचिंग कर देंगे, बीजेपी के लोग लिंचिंग करवा देंगे। इस देश का एक बौद्धिक परंपरा रही है, और उस बौद्धिक परंपरा में देवी देवता और धर्म की आलोचना भी हुई है, स्वस्थ आलोचना हुई है, मंदिर क्या है, विद्यालय क्या है, किसकी महत्ता है, वो सारी चीजें हैं। खुद हम लोगों का मानना है कि मंदिर मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का मामला है, उससे मंदिर में अगर मैं लाइन में भी खड़ा हूँ, मुझे भी रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे महंगाई पे काबू चाहिए, मुझे जो आय की असमानता है उस पर काबू होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। उन सवालों को अगर सावित्री बाई फुले के माध्यम से कोई उद्धृत करता है, कहाँ का बना दिया आपने इस देश को, महासागर वाला चरित्र था इस देश का, आपने तो इसको तालाब की तरह गदला बनाने की कोशिश कर डाली। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि राजद का पक्ष स्पष्ट है, सर्वधर्म संभाव
सबके बीच में समन्वय, लेकिन मेरी आस्था मेरी व्यक्तिगत चीज है, इसका सार्वजनिक और भोंडा प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पर आ जाए 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद, दो चार सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे, मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है, देश में इतनी महंगाई क्यों है, लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है, भाजपा के लोग नहीं समझते। आपसे आग्रह, आप लोग संदेश को बीजेपी की ओर से उठाने से पूर्व एक बार अपने तई उसकी उसकी व्याख्या कर लें, उसकी परीक्षा कर लें, नहीं तो वंचित शोषित समाज के लोगों ने जो लिखा, रैदास को क्या करेंगे आप, कबीर को क्या करेंगे, सावित्री बाई फुले का क्या करेंगे, ज्योतिबा फुले का क्या करेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोल के गए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उसका हम क्या करेंगे। और दूसरी छोड़िए, ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 4 दिन पूर्व असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे लिखा कि शूद्रों का काम है बाकी के वर्णों की सेवा करना। ये हिंदुस्तान है आधुनिक, भारतवर्ष संविधान से चलने वाला। मुझे दुख हुआ कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने उसको चलाया ही नहीं। तो ये जो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बस आप लोगों से इतना आग्रह है, आप सबों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप लोग खूब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।